हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मुरमुरे का डोसा बनाने की रेसिपी। तो मुरमुरे को हम लोग के झारखंड में मुरही बोलते हैं और मैं इसी से आज डोसा बनाने वाली हूँ। और इससे मैं दो तरह का डोसा बनाऊंगी, एक एकदम क्रिस्पी डोसा और एक एकदम रुई जैसा सॉफ्ट और एक बिल्कुल जालीदार डोसा बनेगा इस तरह का। तो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और एक ही बैटर से दो तरह का डोसा बनेगा और बिल्कुल खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे मुरमुरे से इतना अच्छा डोसा बनता है, पर जब आप बना करके देखेंगे ना तो आपको यकीन हो ही जाएगा और आप ज़रूर बनाना चाहेंगे। पर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह से बहुत ही आसान आसान सी रेसिपी मेरे चैनल पर आएगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अरवा चावल 2 कटोरी। आप किसी भी चीज़ से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, कप से, गिलास से या फिर कटोरी से। और 1 चम्मच मेथी के दाने डाल देंगे और इसको हम धो लेंगे अच्छे से, 2-3 बार धो करके, और 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको फूलने के लिए रख देंगे। तो अच्छे से जब फूल जाएगी तब हम इसको पीसेंगे। तो यहाँ पर मैं धो करके और 4 से 5 घंटे के लिए इसको फूलने के लिए रख देती हूँ। और देखिए, ये 4 से 5 घंटे के बाद फूल गई है अच्छे से। और अब इसको एक बार फिर से धो करके और हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैं बड़े वाले मिक्सी के जार में पीस रही हूँ, इसे एक ही बार में पीस जाएगी। और इसको बड़ा वाला मिक्सी जार में डाल दिए हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे अभी। ये देखिए, थोड़ा सा ही पानी डाले हैं, 1/4 कटोरी, और इसको हम पीस लेते हैं पहले। तो पीसने में हम अभी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पानी बाद में भी डाल सकते हैं, ज़्यादा अभी डाल देंगे तो बैटर एकदम पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पीस ली हूँ, ये अच्छे से पीस गई है। और ये देखिए, ये इसमें इस तरह से एकदम महीन से पीस लेना है। उसके बाद हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसी में हमें मुरमुरे को भी पीसना है। तो मैं यहाँ पर बड़े वाले बर्तन पर इसको डाल दी हूँ और इस जार को हम अभी नहीं धोएंगे, इसी में हम मुरमुरे को पीसेंगे। तो हम चावल का बैटर को साइड में रख दिए हैं और यहाँ पर ले लिए हैं 2 कटोरी मुरही। तो जिस कटोरी से हम चावल नापे थे उसी से 2 कटोरी मुरमुरे ले रहे हैं। और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हम 2 कटोरी ही लिए हैं। और इसमें जो इस तरह से थोड़ा सा जल जाते हैं कोई कोई मुरमुरे, तो उसको छांट करके हम निकाल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे अब पानी। तो इसको मैं 2 गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ जिसमें सारे मुरमुरे अच्छे से इसमें फूल जाए। और इसको इस तरह से भिगो देंगे हम मुरमुरे को। तो देसी वाले ये मुरमुरे हैं और देसी वाले मुरमुरे को बालू में भूंजते हैं हम लोग के गांव तरफ। तो यहाँ पर इसमें कुछ बालू के कण वगैरह होते हैं, तो ये बैठ जाएंगे नीचे पानी में, नीचे चले जाएंगे और मुरमुरे ऊपर ही होते हैं। तो इसको हम छान करके और मिक्सी के जार में डालेंगे तो इससे थोड़े से मुरमुरे फूल भी जाएंगे और पीसने में इससे आसानी होगा। तो अभी हम इसको पीस लेते हैं और इसको पीसने के लिए हम वही जार का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें चावल पीसे थे। और यहाँ पर ऊपर ऊपर से इस तरह से हम छान करके और डालेंगे तो इससे अच्छा होगा। और यहाँ पर मैं सबको छान ली हूँ और इसमें अभी थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं। तो इसको पीसने में अगर थोड़ा सा अच्छे से ना पिसाए तो आप इसमें बाद में पीसते हुए समय पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाली थी पीसते समय, तभी ये अच्छे से पिसा गया है। और हल्का सा दरदरा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा ठीक ही पीसी हूँ और इसमें मैं बाद में पानी ऐड करूँगी सबका, चावल के साथ इसको मिक्स करने के बाद हमें पता चलेगा कि कितना इसमें पानी ऐड करना है। तो मैं इसको चावल वाले घोल में ही डाल देती हूँ अब। और यहाँ पर मैं दाल वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी ये बहुत अच्छा है, एकदम जालीदार बनता है। तो मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल करके और जो बचे हुए मुरमुरे के घोल हैं उसको भी मैं धो करके और इसी में डाल दी हूँ। और यहाँ पर देखिए, अब ये अभी बहुत ही ठीक लग रहा है, पर इसको इस तरह से अभी मिलाएंगे तो ये एकदम हल्का हो जाएगा। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और हम इसमें अभी नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो इसको हम अच्छे से एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंट लेंगे तो सारा अच्छे से मिल जाएगा। और ये देखिए, मैं अच्छे से इसको मिला ली हूँ
और इस तरह से अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पर हम इसको अभी इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे और इसको फिर से घोल को हम इस तरह से फेंट लेंगे अच्छे से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट तक हम इसको फेंट लेंगे जिससे कि अच्छे से सब मिल जाएगा। और ये देखिए अब इसको हमको रख देना है 6 से 7 घंटे के लिए इसको अच्छे से फूलने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप सुबह में बनाते हैं, सुबह को बनाना है तो आप इसको रात को पीस करके रख दें, और शाम को अगर बनाना है तो आप इसे दोपहर में ही पीस करके और रख दें तो ये अच्छे से फूल जाती है। और मैं इसे सुबह हम बना रही हूँ और रात में मैं इसको पीस करके रख दी थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से एकदम हल्का हो गया है और फूल गई है पूरा चावल और मुरमुरे का घोल, और ये एकदम हल्का लग रहा है, पर फिर भी हम इसको अभी फेंट लेंगे अच्छे से मिला लेते हैं। और ये देखिए अभी इसका बैटर एकदम थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो इसमें हम अब नमक डाल देते हैं। तो नमक हम इसको जब रख रहे थे रात में पीस करके तो उस समय ऐड नहीं किए थे, और अभी हम यहाँ पर नमक डाल देते हैं। तो स्वाद अनुसार ही नमक डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो जल्दी से घुल जाएगा नमक। और यहाँ पर अब इसको हम मिला लेंगे, तो इसको मिलाने में हमें और थोड़ा देर के लिए फेंटना है, कम से कम 2 मिनट के लिए। तो नमक और ये चावल ये सब अच्छे से मिल जाएगा तो इससे एकदम जालीदार डोसा बनेगा। और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सोडा और इनो या फिर बेकिंग पाउडर या फिर दही कुछ भी नहीं डाले हैं, बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर इसको मिला लिए हैं और हम तवा गर्म होने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पर तवा गर्म भी हो गया है और इसमें डाल देते हैं ये हम चावल का घोल। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको थोड़ा सा ही फैलाएंगे, थोड़ा मोटा रहेगा तो एकदम जालीदार बनेगा। और इसको आपको दो तरह से आप इसको बना सकते हैं, ढक कर भी और बिना ढके भी। तो मैं यहाँ पर एक डोसा है इसको ढक करके बना रही हूँ, तो इसको मैं ढक देती हूँ। आप किसी भी चीज़ से इस जो तवे का नाप का जो थाली या प्लेट या फिर ढक्कन हो तो आप उससे ढक दें, और इस तरह से थोड़ा देर 1 मिनट के लिए हम मीडियम आँच पर इसको पकने देंगे। और उसके बाद देखिए 1 मिनट में तुरंत ही पक जाती है, और ये देखिए कितना एकदम जालीदार बन गया है और एकदम रुई की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है इसका डोसा। आपको यकीन नहीं होगा पर ये मुरमुरे का डोसा इतना सॉफ्ट होता है कि पूछिए मत। और देखिए कितना जालीदार बना है एकदम, दोनों तरफ से हम सेक लेंगे इसको थोड़ा सा, दोनों तरफ से सेकने से चिपकता नहीं है। और ये आप एक तरफ से भी सेक सकते हैं, इसे देखने में सुंदर लगता है। पर ये देखिए मैं दोनों तरफ से हल्का सा सेक ली हूँ और एक डोसा बन गया है। और मैं इस डोसे को ढक करके पकाई थी, और मैं एक डोसा बिना ढके ही बना करके और दिखाती हूँ। तो ये बिना बिना ढके ही बनती है एकदम जालीदार डोसा, और इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं ढक कर या फिर बिना ढके। और अगर आप नॉन स्टिक पैन में अगर आप बना रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं डालेंगे, फिर भी ये बहुत अच्छे से बनता है, एकदम नहीं चिपकेगा। और अगर लोहे के तवे पर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल आप लगा लें तवे पर तो इससे चिपकेगा नहीं। और इसको देखिए मैं बिना ढके बना रही हूँ, और ये देखिए कितने अच्छे से बिना ढके भी पक गई। और ये एक जगह दिख रही है थोड़ा सा सफ़ेद, तो वहाँ पर नहीं पका है, वो अभी पलटेंगे तो वो पक ही जाएगा। और इसको देखिए अभी ये इतना रुई जैसा दिख रहा है, एकदम सॉफ्ट और बिल्कुल मुलायम और जालीदार। तो इसको हम थोड़ा देर के लिए ही दूसरी साइड से पलट करके और पकने देंगे। और यहाँ पर ये देखिए मैं दूसरा डोसा भी बना ली हूँ, और ये डोसा भी कितना अच्छा बना है। और यहाँ पर आप इसी बैटर से एक और तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इस डोसे को एकदम कुरकुरा वाला बना रही हूँ डोसा, जैसे होटल रेस्टोरेंट सब में मिलता है ना उस तरह का। तो यहाँ पर बीच में हम चावल का घोल को डालेंगे और एकदम पतला से इस तरह से इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए फैलाएंगे तो ये एकदम पतला सा हो जाता है। और ये अगर आप इसको कुरकुरा नहीं बनाना चाहते हैं, इस तरह से पतला वाला डोसा बनाते हैं, तो इसको आप अभी निकाल पलट करके और फिर थोड़ा देर पकने देकर और निकाल सकते हैं। पर अगर इसको कुरकुरा डोसा बनाना है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा देर पकने देने के बाद थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से घी डालेंगे, घी या फिर बटर या फिर रिफाइंड तेल भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से कुरकुरा डोसा बना रहे हैं तो इसमें घी ही डालें, घी से बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ये इस तरह से सब तरफ मिला देंगे तो थोड़ी देर पकने के बाद ये एकदम
नीचे से क्रिस्पी और से पकता है और ऊपर भी क्रिस्पी हो जाता है और एकदम बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए थोड़ी देर पक गया है और यहाँ पर दिख रहा है कि जल रहा है जैसे, पर ये नहीं जला है, एक साइड से बहुत अच्छे से पक गया है इस तरह से। और इसको इसे राउंड करके और इसे निकालेंगे। और ये देखिए हमारा डोसा, कुरकुरा वाला डोसा बन करके रेडी है, जैसे रेस्टोरेंट सब में मिलता है उसी तरीके से। और इसे वो इसको एक ही बैटर से बनाए हैं जिससे हम ये नरम मुलायम वाला डोसा बनाए थे, जालीदार वाला, उसी से। और इसी से इस तरह का डोसा भी बनता है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से बनाइएगा, आपका भी डोसा बहुत अच्छे से बनेगा। और इस वाले डोसे को ढकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बिना ढके भी बना सकते हैं। और इसको ढकने से फिर लेट लगेगा इसको कुरकुरा होने में, तो यहाँ पर बिना ढके ही एकदम जल्दी से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसी तरह से बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, सबको पसंद आएगा। अगर घर में सबको अलग अलग डोसा खाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप इस डोसे पर अगर आलू मसाला डाल देंगे तो ये मसाला डोसा भी बन जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर इस तरह से इसको भी राउंड करके निकालेंगे तो बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। और ये काफ़ी देर तक इस तरह से कुरकुरा ही रहता है। और ये छठी सातवीं भी डोसा बना लेंगे तब तक ही कुरकुरा रहेगा। और इसको गर्मा गर्म आप अगर सर्व करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं इसी तरीके से बहुत सारा डोसा बनाई सबके लिए, जिसको पसंद था इस तरह का डोसा, जालीदार डोसा खाने का मन था उसके लिए इस तरह का डोसा, और जिसको कुरकुरा डोसा खाना था उसके लिए मैं कुरकुरा डोसा बनाई। तो एक ही बैटर से बन जाता है, इससे आसानी होता है। और ये देखिए मैं इसी तरीके से बना रही हूँ, तो कोशिश कीजिएगा ऐसे ही बनाना। और मुरमुरे का डोसा शायद आप कभी पहले नहीं भी खाए होंगे, पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आप एक बार जब बना लेंगे तो यकीन हो जाएगा कि इतना अच्छा डोसा बनता है। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम डोसा बन करके, जालीदार डोसा बनकर रेडी है। और बहुत सारा इसी तरह से मैं बनाई सबके लिए। और यहाँ पर इतने सारे डोसा, और मैं साथ में बनाई हूँ आज चटनी, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल, ये चना दाल का चटनी है और चटनी से बहुत अच्छा लगता है डोसा। तो यहाँ पर मैं तड़के लगा करके बनाई हूँ करी पत्ता से और मिर्ची सरसों करी पत्ता से। और मैं इस तरह से देखिए, मैं ये काफ़ी देर हो गया है इसको बनाए हुए, पर फिर भी कुरकुरा बना हुआ है ये डोसा। और मैं आज सांभर भी बनाई थी, बच्चों को पसंद था कि सांभर भी बनाना है, तो मैं यहाँ पर सांभर बनाई हूँ। और सांभर के साथ तो ये डोसा बहुत अच्छा लगता है, चटनी और सांभर मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही इस तरह से कुरकुरा डोसा बना सकते हैं और बच्चे बड़े सभी को खुश कर सकते हैं, और बिल्कुल आसानी से। और यहाँ पर देखिए एकदम क्रिस्पी डोसा बना हुआ है अभी तक भी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।